कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमें मिल सकते हैं जेई मेन के थ्रू। हाईएस्ट पैकेज का 86 लाख से 17 लाख का एवरेज पैकेज होना अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है, तो इस कॉलेज को मिस ना करें, इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन स्कोर एक्सेप्ट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। बीटेक करने के बाद लोग मरते हैं कि आईएससी से एमटेक कर ले, एमएस कर ले। बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी रेपुटेशन इस कॉलेज की। हेलो बच्चों, मैं आपका अपना ए सर, ए स्क्वायर सर, आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा काम की है। आप लोगों को पता है कि जेई मेन का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और उसके बाद हमारे मन में उथल पुथल चालू होने वाली है कि भैया मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। कल को मेरा जेई मेन का एग्ज़ाम बिगड़ गया और मान लो कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ एडवांस के स्कोर में, एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमें मिल सकते हैं जेई मेन के थ्रू, और जेई मेन के अलावा कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो हम देकर उसको एडमिशन ले सकते हैं, तो इनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करूँगा जो कि अदर देन NITs हैं, अदर देन IITs हैं, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत काम का है, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपके डेफिनेटली काम आने वाली है, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, राइट। तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं बेटा, आज चालू करते हैं। सबसे पहले वीडियो पर हम जाते हैं, सबसे पहले कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज हम बात कर रहे हैं तो हमने बता ही दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहता है कि यार मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं अदर NIT के अलावा कौन कौन से कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, ये वो कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें मिल सकती हैं। जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, धीरू भाई अम्बानी विच इज़ अ वेरी फेमस नोन कॉलेज है, बिट्स प्लानिंग सब जानते ही हैं, ठीक है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज LMNIT हो गया, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, IISc बेंगलोर है, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये वो कॉलेजेस हैं जो अदर देन IITs और NITs हैं। इसमें कुछ कॉलेज हमारे छूट गए हैं क्योंकि उनकी डेट्स निकल चुकी थी। जैसे VIT कोई पूछेगा वीडियो के बाद कि सर आपने VIT को ऐड नहीं किया, क्योंकि VIT की डेट्स निकल चुकी थी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए हमने इसमें VIT को इंक्लूड नहीं किया, राइट। तो देखिए एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ। आइए देखिए, अन्ना यूनिवर्सिटी आपके सामने दिख रहा होगा आपको। अन्ना यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली चेन्नई में, अगर हम बात करें तो चेन्नई के अंदर है, ठीक है। और बहुत ही कहते हैं स्टेब्लिश है, काफ़ी इसका नाम है ना, ठीक है। और इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट पास 10+2 लेवल एग्जाम और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। मतलब अगर आपको अन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके कम से कम 12th के अंदर 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं विथ PCM एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, PCM कंपलसरी होना चाहिए और मिनिमम आपकी 50% होनी चाहिए, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली आपको इसमें तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन होता है, बेसिकली उसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तमिलनाडु के अंदर जो इंजीनियरिंग एडमिशन होता है वहां पर आपको अप्लाई करना है, किसी भी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, वहां पर आप अप्लाई करेंगे और उस अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका बोर्ड में परसेंटेज है, वॉट एवर जो भी क्राइटेरिया उनका है, उसके बेसिस पर आपको इसमें एडमिशन मिलेगा बी और बीटेक के प्रोग्राम में, राइट। इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 40 लाख पर एनएम है और मिनिमम जो एवरेज पैकेज है वो 8.5 लाख पर एनएम है। मैं आपको बता दूँ, जितना नाम इस यूनिवर्सिटी का है काफ़ी नाम है, अब मुझे लगता है उसके हिसाब से इनका हाईएस्ट पैकेज थोड़ा मुझे कम लग रहा है, पर ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो लास्ट ईयर का है, हो सकता है कि इससे प्रीवियस डेटा पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको 70-80 लाख रुपए तक का भी पैकेज दिख सकता है। तो ये वन ऑफ द एक ऑप्शन है आपके पास है, अगर मान लो आपको लगता है कि IIT NIT में नहीं जा पाऊँगा, या मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है सर, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो बेटा तेरे पास एक ऑप्शन है। डेट्स ज़रूर ध्यान रखें, इन सारे डेट्स को अच्छे से देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी आउट फ्रॉम 3rd week of June 2024। डेट्स ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि एक एक डेट इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए इसके बारे में कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो भैया सबको पता है धीरू भाई अम्बानी कॉलेज के बारे में, विच इज़ प्लेस इन गांधीनगर। मैं आपको बताता हूँ धीरू भाई जो कॉलेज है ना, जनरली ये जो कॉलेज है, क्योंकि चूंकि ये कॉलेज जेई मेन के थ्रू मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉलेज मिलता है जेई मेन्स के एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ड पर, ठीक है। लेकिन इसके लिए लोगों को सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है जो लोगों को पता नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने, ये जो एग्ज़ाम, ये जो कॉलेज आप देख रहे हैं, इसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है,
पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, ये जेई मेन के थ्रू ही मिलेगा, लेकिन भैया मेरी बात को ध्यान से सुने, जेई मेन के थ्रू तो मिलेगा लेकिन साथ में आपको इसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करता है, उसे पता चलता ही नहीं है, वो क्या करता है, वो तो क्या करता है, सर मुझे अपने आप मिल जाएगा। क्या, अरे भाई कैसे मिल जाएगा, कुछ जादू की छड़ी है क्या कि जादू की छड़ी घुमाओ और हाँ भाई धीरू भाई मैंने कॉलेज मिल गया। आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 50% कोटा जो होता है वो गुजरात स्टूडेंट्स के लिए होता है और 50% कोटा जो होता है वो आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी गुजरात के बाहर वाले बच्चों के लिए होता है, राइट। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसका एक सेपरेट फॉर्म निकलेगा, एडमिशन जो होगा वो जेई मेन के स्कोर के बेसिस पर होगा, और आपको दिख रहा होगा कि फॉर्म फिलिंग बिगन्स फ्रॉम 19 अप्रैल 2024 एंड एंड्स ऑन 30th June 2024। ये डेट्स आप नोट कर लीजिएगा, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किस डेट पे फॉर्म निकलेंगे, लास्ट डेट कौन सी है। हम ऐसा ना करें कि लास्ट डेट का इंतजार करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मेरा तो सपना ही है, सर मैं तो IIT NIT में जाऊँगा। बहुत अच्छी बात है, हर बच्चे का सपना होता है कि भाई अगर वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो NIT IIT में जाए, बिल्कुल ठीक है, आपकी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि दिस कॉलेज, अगर आप इस कॉलेज की बात करते हैं, ये बहुत सारे जो NIT कॉलेजेस हैं उनसे फार बेटर है। अगर मैं लोअर कॉलेजेस की तरफ चला जाऊँगा NITs में, क्योंकि NITs में सारे कॉलेज NIT बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ NIT कॉलेज ऐसे हैं जिनके प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनसे फार बेटर कॉलेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना है आपको, क्राइटेरिया आपके सामने है, 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, बायोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल आपको करना है, राइट। और आपको साफ लिखा है एडमिशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर इन जेई मेन और गुजरात सीटी। गुजरात सीटी मैं आपको बता चुका हूँ 50% बच्चों के लिए, गुजरात के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सीटें रिजर्व हैं, और 50% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बाहर के आउटसाइडर होंगे उनके लिए अलाउ करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन जेई मेन, राइट, ठीक है। आप हाईएस्ट पैकेज देख रहे हैं 82 लाख पर एनम है, एवरेज पैकेज 17 लाख, 17 लाख का एवरेज पैकेज होना छोटी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा 17 लाख का एवरेज पैकेज होना अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। तो इस कॉलेज को मिस ना करें, इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ ज़रूर भरें, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी रैंक 15 से 20 हज़ार के आसपास आने वाली है जेई मेन में, और आपको लगता है कि आप एडवांस में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, तो भैया इस फॉर्म को मिस ना करें, ज़रूर ज़रूर भरें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज पर चलते हैं, नेक्स्ट कॉलेज बिट्स प्लानी, कहने की ज़रूरत ही नहीं, नाम ही काफ़ी है। ये तो वो कॉलेज है सालों से एस्टैब्लिश हैं जिनका नाम चलता है, अगर मैं बोलूँ बिट्स प्लानी तो बिट्स प्लानी का नाम अपने आप में काफ़ी है, राइट। लेकिन बिट्स प्लानी भी अपने आप में एक सेपरेट एग्ज़ाम लेती है, और तो सेपरेट एग्ज़ाम लेगी, इसके लिए आपको जेई मेन के थ्रू नहीं मिलेगा। भले ये चीज़ें बहुत क्लियर रखिए, क्या मुझे बिट्स प्लानी जेई मेन के थ्रू मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या मुझे बिट्स प्लानी के लिए भाई एग्जाम देना पड़ेगा, बिल्कुल अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। तो बिट्स प्लानी के लिए आपको सेपरेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। राजस्थान में प्लेस्ड है, राइट, ओके। इसकी लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो है 11 अप्रैल 2024, यानी 11 अप्रैल 2024 इज़ द लास्ट डेट अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो है सोचे कि मैं सर बिट्स प्लानी में जाना चाहता हूँ तो भैया मैं बिट्स प्लानी भर देता हूँ, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो ये है कि आपकी 75% होना ज़रूरी है और 60% मार्क्स इन ईच ऑफ PCM इंडिविजुअली, राइट, ठीक है। मतलब आपकी एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट आपकी जो है वो क्या बोल रहा है, वो 75% होना ज़रूरी है PCM के अंदर, ठीक है, मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए, 60% मार्क्स जो होता है वो PCM में आपके होना ज़रूरी है, राइट, ठीक है। ड्रॉपर जो है वो कैन अपीयर, मतलब ड्रॉपर का मतलब होता है 13th का स्टूडेंट भी बिटसेल के लिए अप्लाई कर सकता है। मान लो जैसे आपने 11th किया, आपने 12th कर लिया, 12th के बाद आपने एक साल ड्रॉप लिया, तो एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी आप बिटसेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप दोबारा ड्रॉप लेते हो तो आप बिटसेल के लिए अप्लाई नहीं कर पा सकते हो, डबल ड्रॉपर्स आर नॉट अलाउड। ऐसे इसको समझिए ऐसे कि जैसे मान लो आपने 2021 में 11th का एग्जाम, 2021 में आपने 11th दिया, 2022 में आपने 12th दिया, 2023 में आप आए 13th के अंदर, तो 2023 में भी आप बिटसेल के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2024 में बिटसेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। 13 तक अलाउ करता है, यानी 12th के बाद एक ड्रॉप के लिए आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको अलाउ नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच इज बहुत कम दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लिख रहा है हाईएस्ट पैकेज 60.7075 LPA, विच इज मुझे थोड़ा हजम नहीं होते, और एवरेज पैकेज है विच इज वेरी गुड। एवरेज पैकेज पर ध्यान दीजिएगा हमेशा, एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे तो 30.37 LPA, विच इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, ठीक है। इनके और ब्रांचेज भी हैं बिट्स प्लानिंग के अलावा, बिट्स हैदराबाद में भी खुल चुका है, बिट्स में बिट्स की एक दो ब्रांचेज और भी हैं, तो बिट्स वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बेसिकली जो स्टेट टॉपर्स होते हैं जिनकी बोर्ड में 95, 96, 97, 98% आती है, जो अपने स्टेट के टॉपर्स हैं उनको ये डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अगर आपकी बोर्ड में 95 के आसपास आ गई तो भैया आप समझ लो कि आपके बिट्स में डायरेक्ट जाने के चांसेस वेरी हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करना चाहता और मेरे बोर्ड में बहुत शानदार मार्क्स आए हैं, तो भैया आपके लिए कॉलेज बहुत बढ़िया है,
प्लेसमेंट्स बढ़िया हैं, कॉलेज की रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, मतलब आई थिंक अगर आपको मिल रहा है कॉलेज तो लेना चाहिए, ठीक है। ये अदर देन IITs और NITs हैं। इसकी जो रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे टॉप NITs के बराबर इसकी रैंक आती है, मतलब आप इसको आप ऐसे कह सकते हो NIT तिरुची हो गया, NIT बारंगल हो गया, उस कैटेगरी का कॉलेज है ये, बहुत शानदार कॉलेज है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है, अगेन इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब में चंडीगढ़ के अंदर प्लेस्ड है कॉलेज। कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर हर कॉलेज के लिए अच्छा बोल रहे हैं, तो हर कॉलेज के लिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि हमने लिए ही अच्छे कॉलेज हैं तो अच्छा बोलूँगा, ये ऑब्वियस बात है। कोई ख़राब कॉलेज लेके उसको अच्छा कैसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जो अच्छा है उसको अच्छा बोला ही जाएगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ, अब तक मैंने 3 कॉलेज बात की, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने 2 कॉलेज की बहुत ज़्यादा तारीफ करी, एक तो धीरूभाई अंबानी की करी और एक मैंने बात की थी अभी बिट्स प्लानिंग की, राइट। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन स्कोर एक्सेप्ट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। जैसे मान लो आप स्पोर्ट पर्सन हैं, ठीक है, या आप मिलिट्री में आपका कोई मतलब मिलिट्री में जैसे फादर हैं, है ना, या मदर है मिलिट्री में, तो उनके डॉटर्स या सन्स के लिए या पैरा मिलिट्री पर्सनस के लिए चिल्ड्रंस ग्रैंड चिल्ड्रंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उनके लिए आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए डायरेक्ट ये डील करेंगे आपसे, यानी डायरेक्ट बात होती है उनके लिए। कुछ एडमिशन्स के लिए रूल्स हैं, वो अलग रूल्स हैं, ठीक है, तो वो इट सेल्फ कंडक्ट करता है, उसमें कोई बात नहीं है, राइट। 10th प्लस 12th जो होगा एलिजिबिलिटी 75% है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम का बेसिकली इसमें जो आपको एंट्री मिलेगी वो मिलेगी JEE मेंस के थ्रू, राइट। हाईएस्ट पैकेज आप देखते हैं विच इज़ 83 LPA, है ना, एवरेज पैकेज इज 24 LPA, और अगर आप उसकी NIRF रैंकिंग देखेंगे तो विच इज 78, ठीक है। NIRF रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी, पर इस कॉलेज की रेपुटेशन उसका नाम बहुत बड़ा है, चूँकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में प्लेस्ड है, चंडीगढ़ अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है, तो आपके पास एक चॉइस है। देखिए हमारे साथ क्या होता है ना, जब हम इंजीनियरिंग करने की सोचते हैं तो इंजीनियरिंग करने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं क्या हमारे 4 साल बहुत अच्छे बीतेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आदमी को क्या चाहिए, ऐसे कॉलेज से इंजीनियरिंग करूँ जहाँ से मुझे प्लेसमेंट भी अच्छा मिले और जहाँ 4 साल रहने का मज़ा भी आए। तो अगर आप देखेंगे तो विच इज़ मतलब इसमें सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, और प्लेसमेंट्स आप देख रहे हैं तो प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं और एवरेज पैकेज भी इसका अच्छा है, राइट। तो ये भी एक आपके पास एक चॉइस हो सकता है अगर आप इसमें जाना चाहें अदर देन IITs एंड NITs, राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं, राइट। ये है LMNIT लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि जयपुर में प्लेस्ड है, राइट। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें भी पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर, ऐसे तो बहुत सारे हर साल स्टूडेंट्स हर जगह जाते हैं। हाँ, मैं ढूंढना चालू करूंगा तो मैंने अब तक 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो वो बहुत सारे इंडिया के किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ रहा होंगे डेफिनेटली, है ना। कुछ बच्चे मेरे LMNIT में, उनसे बात मेरी होती रहती है, राइट। इस कॉलेज की खास बात है, इसका जो कैंपस है बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार कैंपस है, रेपुटेशन नो डाउट लक्ष्मी मित्तल से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है रेपुटेशन अपने आप में एक अच्छी रेपुटेशन ये कैरी करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट्स इनके बहुत अच्छे हैं, ठीक, JEE मेन के थ्रू आपको मिल जाएगा, है ना। और JEE मेन में भी अगर मतलब मैं ऐसे बोलूँ जैसे धीरूभाई अंबानी की मैं बात करता हूँ, तो धीरूभाई अंबानी जो है 12 से 15 हज़ार, मतलब 7 से 15 हज़ार के बीच में मिलने वाला कॉलेज है, ये थोड़ा आपको लेटर ऑन में भी मिल सकता है, ठीक है, 20 हज़ार तक मैं मानता हूँ मिल जाता है। तो अगर मान लेते हैं आपको NIT मिल रहा है, बहुत पीछे वाला NIT मिल रहा है, आपको लगता है यार मुझे नहीं जाना है, आपको लगता है कि मुझे एक ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ से मुझे ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाए और जगह भी रहने लायक हो, तो भैया आपके लिए लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है। ये वो कॉलेज है जहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा और चूंकि जयपुर में प्लेस्ड है तो जयपुर अपने आप में एक रहने लायक जगह भी है, तो दोनों पॉइंटों के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा कॉलेज है। अच्छा, अगर मैं इसके क्राइटेरिया की बात करता हूँ, आइए देख लेते हैं, ठीक। ध्यान रखें एक चीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने ध्यान दिया होगा धीरूभाई अंबानी पर मैंने बहुत फोकस किया था कि भैया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, फिर मैं गया था बिट्स प्लानिंग पर, उसके लिए सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। धीरूभाई अंबानी के में एग्जाम नहीं होता है, धीरूभाई अंबानी तो भैया सीधे आपने क्या करा, फॉर्म भरा, JEE मेन के बेसिस पर आपका एडमिशन दे देगा। बिट्स प्लानिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम पिछले वाले पे गए थे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें JEE मेन के थ्रू होगा लेकिन फॉर्म भरना पड़ता है, राइट। इसी तरह से इसमें भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की वो 15 मई 2024 है, इसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 15 मई 2024 लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की। आप ध्यान रखिए कंडीशन क्या है, मिनिमम 60% आपका होना चाहिए 12th क्लास के अंदर, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया उनका है, ठीक है। एडमिशन जो होगा वो JEE मेन के स्कोर के बेसिस पर होगा, इसका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होगा, मतलब आपको कोई एग्जाम नहीं देना, पर भैया इसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। हाईएस्ट पैकेज विच इज 51 लाख अराउंड, ठीक है, और एवरेज पैकेज देख रहे हैं 15 लाख पर अराउंड है, तो अच्छा स्कोर है, कोई ऐसा बुरा नहीं है। आने वाले टाइम में इस कॉलेज से आपको शायद 1 करोड़ तक के पैकेजेस भी देखने को मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, राइट। तो ये भी एक आपके पास चॉइस है भाई, इस पर भी आप जा सकते हो।
अब हम चलते हैं BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, राइट. BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज प्लेस्ड इन बेंगलुरु, राइट. बेंगलुरु में प्लेस्ड है. आइए इसके बारे में बात करते हैं. ठीक, इसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा. जब तक ये वीडियो आएगा तब तक मेरे ख्याल से इसकी डेट्स आ चुकी होंगी, है ना. आप देख लीजिएगा, 5 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है. जिस कैंडिडेट ने पास किया है 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा इनके लिए कंडीशन है कि इंग्लिश आपने वन ऑफ द लैंग्वेज ली हुआ होना चाहिए. और मिनिमम 45% है 12th वालों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% है वो है SC ST के लिए, ठीक है ना. ओके, इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट. ठीक, ओके. अब एडमिशन जो होता है वो कॉमेट के थ्रू होगा, ठीक है. एडमिशन जो होता है वो इसमें कॉमेट के थ्रू हो जाएगा, या KCET के एग्जाम के थ्रू होगा, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन स्कोर. पर मुझे जहाँ तक याद है इसमें जो एडमिशन होता है वो कॉमेट के थ्रू होता है. कॉमेट एक सेपरेट एग्जाम होता है. इसमें बेंगलोर के बहुत सारे कॉलेजेस ऐड होते हैं, जैसे रमैया है, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो बहुत सारे कॉलेजेस वहाँ पर हैं, है ना. तो उसके थ्रू आपको ये एग्ज़ाम मिलेगा. तो आप इसका आप अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा. हाईएस्ट पैकेज इसका 50 लाख है, और एवरेज पैकेज का 8.24 LP है. एवरेज पैकेज इसका कम है काफ़ी. हाईएस्ट पैकेज तो देखो 1-2 लोगों को मिलता है, ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज से अगर किसी को 2 करोड़ का पैकेज मिल गया तो इसका मतलब है कि सबको 2 करोड़ का पैकेज मिल गया. हाईएस्ट पैकेज मिलने वाले लोग 1-2 ही होते हैं. हमें हमेशा एवरेज पैकेज पर ध्यान देना चाहिए कि एवरेज पैकेज कितना आ रहा है. तो अगर एवरेज पैकेज 17-15-18-20 आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कॉलेज ठीक है. 8.24 एक बुरा नहीं है, 8.24 भी अच्छा कॉलेज है, ठीक है. बेंगलुरु में अगर आप रहना चाहते हो, क्योंकि बेंगलुरु हब है IIT का, अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से कॉलेज अच्छा है, राइट. हम चलते हैं IISc बेंगलोर पर, ठीक है. IISc बेंगलोर एक कहते हैं ना ऐसा कॉलेज का सपना हर आदमी देखता ही है, खैर, है ना. इसकी लास्ट डेट अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 मई 2024 आपके सामने है, ठीक है. स्टूडेंट मस्ट हैव क्लियर 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ लैंग्वेज एंड एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन अवर 4, ठीक है. इनके अलावा काउंसलिंग जो है एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल हैपन थ्रू द IISc ऑनलाइन पोर्टल जो हो उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, राइट. बेसिकली इस पर अगर आपको कॉलेज में जाना है बहुत अच्छा है, मतलब अनडाउटेडली मैं आपको बताता हूँ. BTech करने के बाद लोग मरते हैं कि IISc से MTech कर ले, MS कर ले. बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इस कॉलेज की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है. और इसका अगर आपको अप्लाई करना है तो IISc के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा. लास्ट डेट 7 मई 2024 है, ठीक है. और इसमें आपको एडमिशन जो मिलेगा वो बेस्ड ऑन द स्कोर इन द एंट्रेंस सच एज JEE मेन, JEE एडवांस और IISER, इन तीनों में से किसी के स्कोर के बेसिस पर ही इसमें आपको एडमिशन मिलेगा. जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें एडवांस के थ्रू एडमिशन मिलता है, ठीक है. हाईएस्ट पैकेज का 86 लाख है, और एवरेज पैकेज देखेंगे तो 28 लाख है. 28 लाख एवरेज पैकेज होने का मतलब इस कॉलेज में आपका फ्यूचर ऑलमोस्ट सिक्योर है. 28 लाख का मतलब 30 लाख का मतलब मिलने वाला है आपको मिनिमम, ऐसे मान के चलिए. तो बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको ज़रूर भरें. सेपरेट आप भर सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ कॉलेजेस हैं आपके पास हैं. और आगे चलते हैं SRM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, आइए इसके बारे में बात करते हैं. देखिए SRM जो होता है वो सेपरेट एग्जाम कराता है, सेपरेट यूनिवर्सिटी है, तो SRM का एग्जाम सेपरेट होगा. ध्यान से सुनिएगा, अब तक हम जितनी बातें बोलते हैं उसमें ध्यान से देखिए कौन सा कॉलेज JEE मेन के बेसिस पे मिल रहा है, कौन सा कॉलेज एडवांस के बेसिस पे मिल रहा है, कौन सा कॉलेज जो होता है वो खुद का एग्जाम करा रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा. SRM जो है वो खुद का एग्जाम कराएगा, सेपरेट एग्जाम होगा इसका. इसके एग्जाम के बेसिस पर ये खुद के काउंसलिंग कराता है, और खुद के काउंसलिंग के बेसिस पर आपको एडमिशन देता है. अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट जो इसके अप्लाई करने की वो है फर्स्ट फेज में 13 अप्रैल 2024 है, और दो सेकेंड फेज के लिए 15 जून 2024 है, राइट. राइट, इसमें एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया ढंग से सुनिएगा. आप कम से कम आपकी 16 साल होनी चाहिए एंड 6 मंथ होनी चाहिए. ऑन द 31st जुलाई ऑफ द कैलेंडर ईयर इज विच द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन इज टू बी हेल्ड, ठीक है. जिस साल में आपका 12th का एग्जाम होना चाहिए उस साल आपकी एज कम से कम 16 साल 6 महीने होना जरूरी है, राइट. इसके अगर मैं पैकेज की बात करूँ, एवरेज पैकेज 7.58 है, हाईएस्ट पैकेज का 57 लाख पर एनम है. SRM एक ऐसा कॉलेज है जो आप सेपरेट एग्जाम होगा भर दो. जैसे मान लो आपको लगता है कि भैया जीवन में मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा, मतलब मैंने JEE मेंस देख लिया बर्बाद हो गया, एडवांस दे लिया बर्बाद हो गया, है ना, मैंने और कॉलेज भी भर लिया. क्योंकि अब मान लो मेरी JEE मेंस में 80,000 रैंक आ गई, अब जब JEE मेंस में 80,000 रैंक आ गई तो भैया तुझे LMNIT तो मिलने वाला रही है, तुझे धीरूभाई अंबानी तो मिलने वाला नहीं है, तुझे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिलने वाला नहीं है, ये सब तो JEE मेंस के थ्रू है ना, लेकिन तेरी तो रैंक ही बहुत पीछे है. तो ऐसे चॉइस में जब आपको लग रहा है कि अपनी बत्ती लग चुकी है JEE मेंस के थ्रू, और अपना कुछ फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा, तो एक SRM एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप सेपरेट अप्लाई करिए, सेपरेट फॉर्म भरिए, और इसका सेपरेट एग्ज़ाम दीजिए. एग्ज़ाम इसका बहुत टफ नहीं आता, बहुत इजी एग्ज़ाम्स आते हैं, इजीली आपकी रैंक आ जाती है.
थोड़ा भी आपने जेई मेन की तैयारी पूरे साल अच्छे से करी है तो आप ये एग्ज़ाम फोड़ कर आओगे और एग्ज़ाम में बढ़िया रैंक ताबड़तोड़ रैंक लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसको आप भरिए, अगर आपको लगता है कि जेई मेन में अपनी बत्ती बिल्कुल लग चुकी है और आपको लगता है भाई जब जेई मेन में लग गई तो एडवांस की तो मैं बात करूँगा नहीं, तो फिर आपके पास एक चॉइस होनी चाहिए। तो एक ऐसी चॉइस है जिसमें आप जाकर एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 लाख के आदमी आप बन सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम में है ये, और बेसिकली ये क्या है, उन लोगों के लिए जो स्पेस विस्पेस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना, साइंस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए कॉलेज है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है स्पेस वगैरह में, तो बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा कॉलेज हमने ढूंढा है, तेरे लिए ही कॉलेज हमने ढूंढा है। तो अगर आप स्पेशली इंटरेस्टेड है इस तरह की चीज़ों में तो आपके लिए कॉलेज बनता है, ठीक है। इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्या कहानी है, ठीक है। द फॉर्म फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम द डे जे एडवांस रिजल्ट आर रिलीज्ड, ठीक है, जिस दिन जे एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। यानी जे एडवांस के रिजल्ट से पहले कुछ नहीं हो रहा, जे एडवांस का रिजल्ट आएगा बेटा इसका फॉर्म रिलीज कर देगा, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट मस्ट होल्ड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट डिग्री 10+2 विद मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स, 75% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, और साथ में लिखा है फॉर दिस इज अ वैलिड नेशनल लेवल जे एडवांस स्कोर, यानी जे एडवांस के स्कोर के बेसिस पर ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं जेई मेन के थ्रू एडमिशन ले लूँगा तो बेटा ना हो पाएगा, एडवांस के थ्रू ले लूँगा हाँ हो पाएगा, एडवांस के स्कोर पे तुझे मिलेगा एडमिशन, ठीक है। तो एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ जे एडवांस स्कोर, एडमिशन टू आईएसटी थ्रू द आईएसटी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यानी आपको इनके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका जो वैलिड स्कोर आया है जे एडवांस उसके थ्रू आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट द कॉलेज, राइट, ठीक है। इसके पैकेजेस देखते मैं थोड़ा परेशान था जब मैं वीडियो बना रहा था, जब मैंने ये स्लाइड्स चेक करी तो आई वॉज शॉक्ड कि इनके पैकेजेस बहुत छोटे हैं और बहुत कम हैं। एवरेज पैकेज 10.5 है और हाईएस्ट पैकेज 16.6 एलपी है, विच इज़ वेरी लेस, विच इज़ वेरी लो, पर ठीक है, ये तो खेल इंटरेस्ट का है ना। एक्चुअली इस कॉलेज में केवल वो बच्चा जाना पसंद करेगा जिसका अपना इंटरेस्ट है, स्पेस वगैरह में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप जाओगे डेफिनेटली, तो उनके लिए बेसिकली कॉलेज है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ है ना, तो बहुत सारे कॉलेजेस की मैंने बात करी है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जाके अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने धीरू भाई अम्बानी की बात करी है ना, जैसे मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की है ना, जैसे मैंने एलिमिनेटी की बात की, मैंने बिट्स प्लानी की बात की, मैंने अन्ना यूनिवर्सिटी की बात की, मैंने बीएमएस कॉलेज की बात की है ना, लास्ट में 2-3 कॉलेज मैंने आपके सामने लिए थे, आईएससी बेंगलोर की बात की, तो बहुत सारे कॉलेज हमने आज इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और बहुत सारे कॉलेज और बाकी हैं। ऐसा मत करना कि आप जब ये वीडियो देखो अरे सर आपने तो ये वाला कॉलेज भी छोड़ दिया, बहुत सारे कॉलेज डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, पर हम सारे कॉलेज एक वीडियो में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए हमने कुछ कॉलेज हमने छोड़े हैं जिसको हम सेकंड वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सेकंड वीडियो बहुत ही जल्दी रिलीज़ होगा पहले वीडियो के बाद, इसमें बचे हुए कॉलेज हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। पर ध्यान रखें, मैं आपको फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को दोबारा, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास जैसे होता है ना गाड़ी होती है ना गाड़ी, तो गाड़ी में आपने ध्यान दिया होगा हमेशा एक स्टेपनी होती है, स्टेपनी क्यों होती है कि टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी होना ज़रूरी है। तो आप मैं मानता हूँ कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं यार, शानदार, मैं तो भैया मैं तो बहुत ही अलग लेवल का बच्चा हूँ सर, मैं आईआईटी क्रैक करूँगा ही करूँगा, एनआईटी क्रैक करूँगा करूँगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि हो सकता है बिल्कुल, लेकिन क्या होता ना वक्त का पता नहीं होता, एग्ज़ाम 3 घंटे का गेम है और उस 3 घंटे के गेम में अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पास स्टेपनी होनी चाहिए, हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए जो हमें उस रास्ते पर ले जाए जिस तरह हम जाना चाह रहे थे लेकिन हमारा एग्ज़ाम ख़राब होने की वजह से हम नहीं जा पाए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑप्शंस हमेशा रखने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे हमेशा हर साल, मतलब मुझे 20 साल से ऊपर पढ़ाते हुए हो गए, मैं हर साल देखता हूँ बच्चे मानते नहीं हैं, उनको इतना समझाते हैं क्लास में भी बेटा कि भैया दूसरे एग्ज़ाम्स भर लो, कुछ तो लोग ऐसे करते हैं सर पैसे ही नहीं है सर 2000 रुपये का फॉर्म लग जाएगा, अरे यार करियर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, करियर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचो आप 2000, 5000, 10000 के फॉर्म के चक्कर में आपका मान लो अगर जेई मेंस में नहीं हुआ या आपका एडवांस में नहीं, तो क्या आपका पूरा साल ख़राब नहीं हो गया? पर अगर आपने वो फॉर्म भरे होते जो अच्छे थे जिनमें आप जा सकते थे, लेकिन आपने 2-5 हज़ार रुपये के लिए दिमाग लगाया, चिंदी चोरी करी और आपका खेल ख़त्म, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने तैयारी की थी गेट की, जब मेरे गेट में स्कोर आया तो हमारे टाइम पे हमें जब कॉलेज भरने होते थे उस समय, उस ज़माने में उस टाइम पर भी 2-2 हज़ार रुपये के फॉर्म आते थे। अब आज उस समय 2 हज़ार रुपये के फॉर्म की वैल्यू आज के लगभग 10 हज़ार के बराबर है, ठीक है। तब भी मेरे को था कि हाँ भी भरना है तो मैंने भरे, 3-4 कॉलेज मैंने भरे, हाँ ऑब्वियसली कि मैंने सारे नहीं भरे, पर कुछ तो भरोगे ना आप कि सर पैसे ही नहीं है कुछ भरे नहीं आपने, तो इस तरह की हरकतें ना करें। आप ज़रूर इनमें से अच्छे ऑप्शन ढूंढें, हाँ अच्छे ऑप्शन ढूंढें, किसी को लगता है बिट्स प्लानी में जाना चाहिए तो बिट्स प्लानी पे जाइए, किसी को लगता है कि नहीं मेरे लिए एलिमिनेटी अच्छा ऑप्शन है एलिमिनेटी पे जाइए, धीरू भाई, तो कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस जेई मेन और एडवांस के अलावा ज़रूर भरें,
ठीक है, ताकि अगर किसी केस में आपका आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाए तो एटलीस्ट आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।